बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मुहर्रम अल हराम में जो ख़ास शरबत बनता है तो वो बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 किलो दूध, जो कि काफ़ी ठंडा है। मैंने उसको फ्रिज में रखा था तकरीबन 4-5 घंटे से, तो काफ़ी चिल हो गया, ठंडा हो गया। इसके बाद हमें चाहिए 1 टिन कंडेंस मिल्क, ये भी ठंडा है। 1.5 पैकेट हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैली। रू अफ़ज़ा चाहिए अपने हिसाब से, आप ले लीजिए। आपको जितना मीठा चाहिए, जितना आपको कदर चाहिए अपने शरबत में, उस हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छी क्वांटिटी में हमें चाहिए बादाम पिस्ते। केवड़ा चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए हरी इलायची का पाउडर। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉट में डालेंगे अपना मिल्क, जो कि हमने इसमें 2 किलो आपको मैंने बताया था, वो डाल देते हैं पॉट के अंदर। ये भी डाल देते हैं। चलिए जनाब, हमने दोनों जो दूध के जार थे वो हमने खाली कर दिए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर रू अफ़ज़ा। इसके बाद हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, ये 1 टिन है। 2 किलो दूध के लिए 1 टिन काफ़ी होता है। हमने ये भी डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे बादाम पिस्ते, जो हमने अच्छी खासी क्वांटिटी में लिए थे। आप अपने हिसाब से लेने, आप जितना डालना चाहें। फिर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने रू अफ़ज़ा कंडेंस मिल्क डाला तो वो अंदर जाके थोड़ा जम सा जाता है, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। इसके बाद हम डालेंगे जेली, जो मैंने आपको 1.5 पैकेट बताया था जेली। इसको काफ़ी जो ना अच्छी तरह से चिल करना है, ठंडा करना है। उसके बाद डालना है, तो बहुत ही यमी सा देखें लग रहा है। इसके बाद रूह केवड़ा 1 टेबल स्पून जो हमने आपको बताया। उसके बाद हम डालेंगे हरी इलायची 1/2 टीस्पून जो हमने आपको बताई थी, वो डाल देंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा कलर आया और बहुत ही यमी सा और मज़ेदार सा लग रहा है ये। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए, ये हमारा तैयार हो गया, रेडी हो गया हमारा ये शरबत। चलिए अच्छे से जग में डालते हैं इसको जनाब, और फिर आपको दिखाते हैं। लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार शरबत तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये पीने में भी बहुत ही मज़ेदार है और यमी है। ट्राई कीजिएगा इसको ज़रूर।
चलें, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।